Hey guys, now you can study CAIPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CAIPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hi guys, what's up? अगर आप इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सर आप प्लीज पूरी वीडियोस देखिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो से शुरू कीजिएगा। कहाँ है वो सारी वीडियोस, कहाँ है उनका लिंक, वो सारे लिंक्स मैंने सर नीचे दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया और कमेंट बॉक्स में। तो आप बिल्कुल शुरुआत से देखिए, अगर आपने पहले सारी वीडियोस देख ली हैं तभी ये वीडियो को शुरू कीजिएगा। और ये सारी वीडियोस एप्लीकेबल है मई 2017 और नवंबर 2017 के लिए। अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली मैं वो भी अपलोड करूंगा। और आप हमारी फुल फ्लेज क्लासेस भी ले सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक और मेगा एग्जेम्पशन की एंट्री हम लोग कवर करने जा रहे हैं और वो है सर्विसेज बाय अ होटल। एक बात मैं आपको फिर से नोटिफाई करा दूं, इस समय मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूं, आप इन नंबर्स को और एंट्री नंबर्स को एक ना समझिए, ये मेरी बुक के सीरियल नंबर्स हैं। इसका एंट्री नंबर हो सकता है मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कुछ और हो, राइट? अच्छा जी, अब हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज बाय अ होटल इन गेस्ट हाउस, ओके, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट। ऋषिकेश गए हैं आप कभी? ऋषिकेश या कभी रिवर राफ्टिंग के लिए गए हो? बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, तो किसी भी तरह का हो सर, बस आपका होटल की डेफिनेशन में आता हो, इनमें आता हो, गेस्ट हाउस आता हो, क्लब आता हो, कैंप साइट आता हो, इवन जो आश्रम्स और धर्मशाला हैं सर वो भी इसी के अंदर फॉल कर जाता है। फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, हाँ जी, फॉर रेजिडेंशियल और वॉट लॉजिंग पर्पस, आपके रहने के लिए हो या सामान वामान रखने के लिए हो सर, बेसिकली रहने के लिए, फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, इसे मार्क कर लीजिए, हैविंग व्हाट डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ अ यूनिट अकोमोडेशन बिलो 1,000 रुपी पर डे और इक्विवेलेंट, ओके। तो आपने होटल एटसेट्रा एटसेट्रा रेंट पे दिया है फॉर रेजिडेंशियल लॉजिंग पर्पस, और जिसका डिक्लेयर टैरिफ कितना है, बिलो 1,000 रुपीज, हाँ जी, अकोमोडेशन बिलो 1,000 रुपीज, याद रखिएगा बिलो 1,000 रुपीज पर डे और इक्विवेलेंट, यानी कि 1,000 हुआ तो सर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इक्विवेलेंट का मीनिंग हुआ 1,000 रुपीज और लेस, नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है इसका, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, आप क्या मतलब है अभी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये है एक बढ़िया सा होटल, राइट, इस होटल के एक रूम का चार्ज डिक्लेयर टैरिफ है 1,200 रुपये, डिक्लेयर मतलब जो इन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी सीजनल डिस्काउंट चल रहा है और एक्चुअल चार्जेस है 900 रुपये। तो क्या इस रेंटिंग पे सर्विस टैक्स लगेगा, यस और नो? मन तो कर रहे हैं ना बताऊं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में आंसर जानूं, बट फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो डिक्लेयर टैरिफ 1,200 है, एक्चुअल चार्जेस 900 है, यानी जो कस्टमर से मिल रहा है वो 900 है, लेकिन हमने अपनी जो चार्जेस की शीट है उस पर लिखा हुआ 1,200। इस केस में सर आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा, मेगा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन डिपेंड करती है किस पे, डिक्लेयर टैरिफ पे, हाँ जी, किस पे जल्दी बताइए, डिक्लेयर टैरिफ। तो मेगा एग्जेम्पशन तभी मिलती सर जब आपका डिक्लेयर टैरिफ जो है वो 1,000 रुपए से कम होता, एक्चुअल चार्जेस हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं इसी होटल का हमने कोई और रूम देखा और उस रूम का डिक्लेयर टैरिफ जो है वो था 900 रुपीज, एक्चुअल चार्जेस जो था वो था आपका 700 रुपीज, क्या यहाँ मेगा एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज यस, मेगा एग्जेम्पशन विल बी अलाउड, सर्विस टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। अब कई बार 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 लगातार स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर क्या एक्चुअल चार्जेस डिक्लेयर टैरिफ से ज्यादा हो सकते हैं? सर लॉजिकली नो। क्यों बेटा, क्या आप कभी भी किसी चीज का प्राइस एमआरपी से ज्यादा देना चाहेंगे? आंसर इज नो, एंड दैट्स व्हाई सर हम कभी भी एक्चुअल चार्जेस को डिक्लेयर टैरिफ से ज्यादा नहीं रख सकते, राइट? अब डिक्लेयर टैरिफ अगर 1,000 रुपए से कम है तो आपको मेगा एग्जेम्पशन अवेलेबल है, अदरवाइज आपको मेगा एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। बट साथ साथ याद रखिएगा कि इसी केस में हम लोगों ने बचपन में
आप लोगों ने जो मेरी रेगुलर वीडियोस ली हैं उसके अंदर आपने अबेटमेंट पढ़ी होगी जरूर, एकदम लास्ट की वीडियोस थी सर्विस टैक्स वाले सेक्शन में, अबेटमेंट था 26/2012, ये नोटिफिकेशन नंबर था 26/2012, और वहां पे सर मैंने अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग अबेटमेंट वगैरह निकालते हैं। अगर टैक्सेबल होगी होटल एटसेट्रा की सर्विस तो हमें अबेटमेंट को ध्यान रखना होगा, राइट। अगर सर एग्जेम्पशन मिल गई तो हमें अबेटमेंट का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर्विस टैक्स ही एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? बोल दीजिए। यस, इट इज वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट। तो ये थी एक और मेगा एग्जेम्पशन एंट्री, इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, मैं इसको देना चाहूंगा सर 3 स्टार, इवन मैं 4 स्टार भी इसको दे सकता हूँ सर। इसके 2 इम्प्लीकेशंस हैं मेगा एग्जेम्पशन में, अबेटमेंट में ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए मैं एक फिर चर्चा करता हूँ, मेगा एग्जेम्पशन में कई एंट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें 5 स्टार बोलता हूँ। 5 स्टार बोलने का मेरा इसका बेस क्या है? बेस ये है कि सर इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। फिर कुछ एंट्रीज आएंगी जिन्हें मैं 4 स्टार बोलता हूँ, जिनके 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं 2 मार्क्स के सर, लेकिन उनके चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, राइट। फिर उसके बाद कुछ आते हैं सर जिन्हें मैं 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार बोलता हूँ। देखिए 1 स्टार वाली सर आने के चांसेस बहुत 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 कम है, 2 स्टार वाले आने के चांसेस ठीक ठीक हैं, 3 वाले के भी ठीक ठीक से थोड़े से ज्यादा है, यानी अबव एवरेज है, राइट, अबव एवरेज। तो जो अबव एवरेज वाले हैं और ये जो 4 स्टार और ये 5 स्टार हैं, अगर आप ये भी करके चले जाएं तो बहुत है। और कुछ एंट्रीज हैं सर जिन्हें मैं बोलता हूँ 0 स्टार एंट्रीज, वो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो 25 से 30 एंट्रीज मैं आपको पढ़ा दूंगा, बल्कि उससे ज्यादा ही पढ़ा दूंगा, बाकी सारी आप लोगों ने खुद निपटानी है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। मैं आपको कुछ आइडिया भी देता हूँ मैंने किन एंट्रीज को सर स्टार्स ज्यादा दी हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस को, UN वाली सर्विसेज को, ये 5 स्टार एंट्रीज हैं सर अपनी, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा हो, अगेन ये सारे 5 स्टार्स हैं सर, ओके। तो चलिए यहाँ पे इस वाली मेगा एजम्पशन को हम लोग फिनिश करते हैं और देखते हैं अपनी और मेगा एजम्पशन की एंट्रीज क्या क्या है हमारे पास। Thank you very much for watching this video, and yes, complete the course of Mega Exemption. Start from the first video and watch all the videos to get the maximum benefit. Thank you very much, and yes, video ko zarur like kijiyega, channel ko subscribe kar lijiyega. Stay connected, stay ahead. Jai Hind. Aur haan, seekhte rahein, kyunki seekhna band to jeetna band.